नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है और पहला मैच जो है वो बेंगलुरु में खेला जाना है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और यहां पर टीम इंडिया जो है वो जीत के इरादे से उतरेगी और सबसे जो नजरें होंगी ज्यादा वो होंगी विराट और रोहित पर, क्योंकि विराट और रोहित के बल्ले से पिछले टेस्ट मैच में प्रदर्शन नहीं आया था उस तरीके से। अब उम्मीद यही होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि विराट कोहली के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, 3 शतक आ चुके हैं, 3 अर्धशतक भी आ चुके हैं, और अभी तक न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भारतीय सरजमीं पर भारत को नहीं हरा पाए। यानी कि 17 जो मैचेस हैं वो भारतीय टीम ने जीत हासिल की है और एक भी मुकाबले न्यूजीलैंड नहीं जीत पाया। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ये मैचेस कहाँ देख पाएंगे, यानी कि तीनों जो मैचेस होंगे वो कहाँ पर देख पाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैच में क्या खास होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर न्यूजीलैंड जो है वो भारतीय सरजमीं पर नहीं जीता है। इसके अलावा अगर टोटल हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो 62 मैचेस हुए हैं जहाँ पर टीम इंडिया ने 22 मैचेस में जीत हासिल की है, 13 मैचेस में जो है वहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने जीत हासिल की है। तो पलड़ा जो है वो टीम इंडिया का ज़्यादा भारी है और हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड की टीम जो है वो श्रीलंका से हार कर आ रहा है, तो डेफिनेटली वो हार जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी लूज़ करती है। तो देखिए, इस मैच को आप टीवी पर स्पोर्ट्स 18 पर देख सकते हैं। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग की बात की जाए तो जियो सिनेमा ऐप पर आप बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि ऐप को डाउनलोड करना है और ये मैच पूरा का पूरा आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। तो मैच इसलिए खास होने वाला है क्योंकि विराट और रोहित के बल्ले से पिछले मैच में रन्स नहीं आए थे और यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन के आंकड़े जो है वो बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके आंकड़े हैं। और आपने देखा होगा पहले जो मैच हुए हैं बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ पर भी अश्विन ने बल्ले से तो कमाल दिखाया था, लेकिन जब गेंदबाजी आई उनकी तो गजब की गेंदबाजी करते नजर आए। साथ ही साथ उनका साथ देने के लिए यहाँ पर अश्विन के साथ जड्डू भी होंगे और जड्डू अश्विन की जोड़ी जो है वो काफी चर्चित भी है और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी किया हर एक मैच में। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास बुमराह होंगे जहां पर आपको विकेट्स नहीं मिलती हैं, तो वहां पर जस्सी को लेकर आइए, आपको डेफिनेटली वो विकेट मिलेगी। तो यॉर्कर फेंकते हैं सटीक और परखच्चे उड़ा देते हैं सामने वाली टीम के, तो यहाँ पर बुमराह जो है एज अ वॉइस कैप्टन आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ कैप्टन की बात करें रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा यहाँ पर बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं। अगर यहाँ पर 5 सिक्सेस और लगा देते हैं तो वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे टेस्ट मैच में, जो कि सबसे ज्यादा सिक्सेस उनके नाम हो जाएंगे। यानी कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है सबसे ज्यादा सिक्सेस का वो है वीरेंद्र सहवाग का, 91 छक्के वो लगा चुके हैं, भारतीय बल्लेबाज पहले हैं। और अगर यहाँ पर 5 सिक्सेस, यानी कि अभी रोहित शर्मा 87 सिक्सेस हैं उनके टेस्ट मैच में, और 5 सिक्सेस और लगा देते हैं तो वो वीरेंद्र सहवाग के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा जो है वो बहुत ही अच्छी कप्तानी करते नजर आए, टेस्ट मैच क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश को और इंग्लैंड के साथ जो सीरीज थी वहां पर भी अच्छी कप्तानी करते नजर आए। अब बल्ले से दमखम दिखाने की जरूरत है, वो हिटमैन का हिट शो जो है वो कहीं ना कहीं मिस हुआ है, हमने देखा नहीं है। अब उम्मीद ये है कि हिट शो जो है वहाँ पर पहले मैच में देखने को मिले। और विराट कोहली, क्या विराट कोहली की विराट पारी आने वाली है, इस पर भी नजरें होंगी। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या टीम इंडिया इस मैच को जीतने वाली है या फिर न्यूजीलैंड का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी होने वाला है? कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।